उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत जगतगुरु परमहंसदास ने संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठते ही अधिकारियों में फिर हड़कंप मच गया और काफ़ी मशक्कत के बाद परमहंसदास ने अपना अनशन समाप्त किया और प्रशासन ने जूस पिलाकर उनके अनशन को समाप्त करा दिया है। लेकिन अभी वह सिमरनजीत सिंह के खिलाफ कार्रवाई किए जाने तक संघर्ष करने की घोषणा की है। तपस्वी छावनी के महंत जगतगुरु परमहंसदास ने कहा कि संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने श्री भगत सिंह जी को आतंकवादी कहा, जिससे मैं आहत हूँ, पूरा देश आहत है। आजाद भारत में किसी भी अमर बलिदानी को कोई आतंकवादी बताएगा तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा, हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए केंद्र सरकार और प्रशासन से मेरा आग्रह है कि इस पर कार्रवाई में कोई देरी न की जाए। तो पूरा देश आहत है और अगर आजाद भारत में किसी भी अमर बलिदानी को अगर कोई आतंकवादी बताएगा तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा, हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्रशासन से मेरा आग्रह है कि इस पर कार्रवाई में देरी न किया जाए। हमने अन्न जल का परित्याग कर दिया था लेकिन प्रशासन ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि अयोध्या में तमाम लोगों का आना जाना है और यहाँ भीड़ बढ़ने से जो है आवागमन जो है प्रतिबंधित हो जाएगा, तो इसलिए अनशन तो हमने तोड़ दिया है लेकिन हमारी जो विधिक लड़ाई है वो जारी रहेगी और इससे बड़ा क्राइम कोई नहीं हो सकता है। मेरा एक निवेदन भी है, चेतावनी भी है कि जिन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को आहुत कर दिया है उनका सम्मान करिए, और अगर सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अधिकार नहीं है अपमान करने का। अगर कोई उनको आतंकवादी कहेगा तो उसको इस धरती पर नहीं रहने दिया जाएगा। ये चाहे आप हमारा निवेदन समझ लें या चेतावनी समझ लें, और सरकार से भी निवेदन है कैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करिए वरना माहौल खराब हो जाएगा और हम लोग कानून को हाथ में ले लेंगे, क्योंकि हम लोग जो है अमर बलिदानियों का अपमान नहीं सहेंगे, चाहे हम लोग खुद फांसी पर चढ़ जाएं, चाहे जितना हम लोगों के ऊपर FIR हो जाए, चाहे जो भी हम लोगों के ऊपर धाराएं लग जाएं, लेकिन अगर देश के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों को निछावर किया है उनको अगर कोई आतंकवादी कहेगा तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुझे दुख है कि नवनीत राणा ने तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा था, उनके ऊपर जो है देशद्रोह लग गया था, जेल भी गई थी और तमाम जगह FIR हुई। आखिर क्या बात है कि सिमरनजीत सिंह मान ने भगत सिंह को आतंकवादी कह दिया और मैं कल से प्रयास कर रहा हूं अभी तक जो है FIR पंजीकृत क्यों नहीं हुई, जब नुपुर शर्मा को लेकर देश के कोने कोने में FIR हो गई, नवनीत राणा को लेकर तमाम जगह FIR हो गई। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर।